अमृतसर रेल हादसे कारण नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू लगातार सवालों के घेरे में है। इल्जाम लग रहे हैं कि नवजोत कौर इन्ने वड्डे हादसे के बावजूद लोगों को रोंदे कुरलोंदे छड़ के मौके तो चली गई सी। हालांकि वह कह रहे हैं कि वह घटना तो पहला ही समागम विचों निकल चुकी सी। हुण 19 अक्टूबर की उस खौफनाक शाम का एक होर सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जद सैकड़े लोगों को दर्द दी हुई ट्रेन उतों निकल गई। हालांकि इस नवी सीसीटीवी विच रेल दियां लीहां नहीं दिसदियां, पर रावण दहन ते दुशहरा समागम दी स्टेज पूरी तरह दिस रही सी। 19 अक्टूबर दी शाम अमृतसर दे जोड़ा फाटक नेड़े दुशहरे मेले विच रावण दहन दा समागम हो रहा सी। शाम 6:40 ते नवजोत कौर सिद्धू उत्थे स्टेज ते पहुंची। इस तो तकरीबन 14 मिनट बाद यानी कि 6:54 ते रावण दे पुतले नू अग लाई गई। उदों सिद्धू मंच ते ही मौजूद सी। इस तो ठीक 30 सैकेंड बाद रेल हादसा होया जो सीसीटीवी विच नहीं दिस रहा। रावण दहन दे करीब 58 सैकेंड बाद यानी कि 6:57 ते नवजोत कौर सिद्धू स्टेज तो उतर के चली गई। उदो किसी नू पता नहीं सी कि रेलवे ट्रैक ते एड्डी वड्डी घटना वापर चुकी है। नवजोत कौर दे मंच ते जाण तो बाद रौला पै गया ते लोग तुरंत रेल दियां लीहां वल भजन लग पए। तां पता लगा कि रावण नू सड़दा वेखदे लोकां नू एक ट्रेन ने दर्द दिता ते ली ते लाशां ही लाशां विछियां पईआं ने। हालांकि पंजाब दे कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी पत्नी दा बचाव करदिआं रेलवे विभाग उपर ही सवाल चुके ने, परंतु सीसीटीवी दी नवीं फुटेज जारी होण करके नवजोत कौर सिद्धू ते कई सवाल खड़े हो रहे ने।